इसराइल की लड़ाई तो हमास के साथ थी, लेकिन तबाह अब हिजबुल्ला भी हो रहा है। इसराइल ने लेबनान में भारी तबाही मचा दी। आंकड़े बता रहे हैं कि इन हमलों में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 400 पार हो चुका है। इनमें 90 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। साल 2006 में हुए इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध के बाद इसे सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इधर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में सैनिक भेजने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि हमलों को लेकर अमेरिकी सरकार खासी चिंतित है। इसराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी थी, साथ ही कहा था कि वो इन हमलों का दायरा बढ़ाएंगी। इसी बीच लेबनान के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को हुए हमले में 490 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़े बताते हैं कि 492 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें 35 बच्चे और 58 महिलाएं हैं। वहीं 1645 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबरें हैं कि हमलों के बाद हजारों की संख्या में लेबनान के नागरिक दक्षिण की ओर भागे हैं। इस साल 2006 के बाद सबसे बड़े स्तर पर पलायन के रूप में भी देखा जा रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के नागरिकों से इलाका खाली करने की अपील की है। खास तौर से पूर्वी और दक्षिणी लेबनान के नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। साथ ही उन्होंने इस चेतावनी को गंभीरता से लेने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ऑपरेशन पूरा होने के बाद आप सुरक्षित अपने घरों में वापस लौट सकते हैं। इसराइल की सेना के प्रवक्ता ने कहा था कि इसराइल के साथ लेबनान की सीमा से हिजबुल्ला के पीछे धकेलने के लिए जो भी जरूरी होगा सेना वो करेगी। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम खतरों को बस कम करना चाहते हैं। हम इस मिशन को पूरा करने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। इसराइल का अनुमान है कि हिजबुल्ला के पास करीब 150,000 रॉकेट और मिसाइलें हैं, जो इसराइल में कहीं भी हमला करने के लिए क्षमता रखती हैं। एजेंसी के अनुसार लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला बलों के बीच बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर अमेरिका पश्चिम एशिया के अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है, जिससे क्षेत्र युद्ध की ओर भड़कने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी। इस क्षेत्र में वर्तमान में अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक हैं। ये नई तैनाती लेबनान के अंदर इसराइली बलों द्वारा किए गए बड़े हमलों के बाद की गई है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।